हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बहुत सारी देखी होगी जहाँ पे आपको बोला जाता है कि हाँ भाई, कैप्चा एंट्री का जॉब है, ऑनलाइन जॉब मिल रही है, आपको 5,000 रुपये डेली मिलेंगे, 1,000 रुपये डेली मिलेंगे, इधर देखो डेटा एंट्री की जॉब मिल रही है, आपको 1,000 रुपये डेली मिलेंगे। तो भाई, अगर ऐसी जॉब होती तो हमें जॉब करने की ज़रूरत क्या पड़ती? किसी को भी जॉब करने की क्या ज़रूरत पड़ती? कोई ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। तो ऐसी ही वीडियो का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और आप देख रहे हैं हेलो वेब। तो दोस्तों, अगर आप YouTube पे जाते हो, वहाँ पे ऑनलाइन सर्च वहाँ पे सर्च करते हो आप कि ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन फुल टाइम जॉब, तो ऐसी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे आपको बताया जाता है कि हाँ भाई, कैप्चा एंट्री का जॉब है, आपको 1,000 रुपये डेली मिलेंगे, यहाँ पे आपको बस कैप्चा एंट्री करना है। कहीं आपको ये बताया जाएगा कि भाई, डेटा एंट्री का जॉब है, यहाँ पर आपको 1,000 रुपये डेली मिलेंगे, डेटा एंट्री का जॉब कर लो। आपको बहुत सारे वेबसाइट के बारे में बताया जाता है कि हाँ भाई, ये वेबसाइट है, यहाँ पर सिर्फ जाओ आप, अप्लाई करो, यहाँ पर जॉब आपको मिल जाएगी, कैप्चा एंट्री की जॉब मिल जाएगी, ऑनलाइन कोई भी काम, ऑनलाइन इमेज एडिटिंग की जॉब मिल जाएगी। तो भाई, इमेज एडिटिंग तो समझ में आता है, उसकी जॉब तो मिल सकती है, लेकिन कैप्चा एंट्री की बात आपके पल्ले पड़ता है कि हाँ भाई, कैप्चा एंट्री करने के लिए आपको 1,000 रुपये कोई डेली देगा? तो भाई, इस वीडियो का सच यही है कि इससे ऐसी कोई जॉब नहीं होती है। आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ, कैप्चा एंट्री के, कैप्चा टू कैप्चा है, बहुत सारी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पर चले जाओ तो आपको, आपसे पहले आपका यूजर नेम, पासवर्ड, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब लिया जाता है। उसके बाद आपको एक टास्क दिया जाता है कि भाई, आप डेट ये कैप्चा एंट्री करके दिखाओ। उसके बाद स्टार्टिंग में 3-4 कैप्चा अगर आप एंटर करते हो तो आपको तो आसान आसान कैप्चा दिए जाते हैं। उसके बाद ऐसे कैप्चा, ऐसे कैप्चा, ऐसे मिलते हैं जिसे ना आप अच्छे से देख पाओगे तो टाइप क्या करोगे। तो अब आते हैं डेटा एंट्री पे। डेटा एंट्री की भाई कोई जॉब नहीं होती है ऑनलाइन, वहाँ पे आपको ऐसी कोई जॉब नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको डेटा एंट्री के लिए आपको कोई 1,000 रुपये डेली दे। भाई, डेटा एंट्री वाले लोग 12,000 रुपये काम करते हैं, तो आपको 30,000 रुपये वो क्यों देगा? भाई, खुद दिमाग लगाओ ना, ऐसे जॉब आपको क्यों देगा कि 1,000 रुपये डेली दे रहा है क्या? तो डेटा एंट्री करवाना है। तो भाई, ऐसी कोई जॉब नहीं होती। अगर किसी को और ऐसा बंदे को रखना है, अगर मेरी कंपनी है, मुझे एक डेटा एंट्री की ज़रूरत है, ऐसे बंदे की ज़रूरत है, तो मैं उसे 12,000 रुपये पे हायर कर लूँगा, आपको 30,000 रुपये मैं क्यों दूंगा? खुद सोचो ना कि आप सोचो कि देश में इतना अभी जितनी बेरोजगारी है, उसमें लोग 5,000 रुपये काम करने के लिए रेडी हैं, तो लोग आपको 30,000 क्यों देंगे? तो ऐसी कोई जॉब नहीं होती है। इनकी वीडियो या इनकी वीडियो आप देखोगे ना, तो उनकी हर वीडियो पे आपको बताया जाता है कि भाई, यहाँ पे 3,000 रुपये आपको डेली मिल रहा है, 2,000 रुपये डेली मिल रहा है, 500 रुपये डेली आप कमा लोगे। तो ऐसी भाई, इस बेवकूफ़ी में मत पड़ो, जॉब ढूंढो अपना, ठीक है? जो कोर्स किए हो उससे रिलेटेड जॉब ढूंढो, कोर्स कोई नहीं किए हो तो जो मन में वैसे जॉब ढूंढ देख लो, लेकिन ये सब पचरने में मत पड़ो कि यहाँ पे ऐसी कोई जॉब नहीं मिलेगी, बेकार में आपके टाइम भी जाएंगे और कहीं कहीं पैसे भी लगते हैं। उसकी बात बता देता हूँ कि ये लोग के वीडियो पे अच्छे अच्छे व्यू, ज़्यादा ज़्यादा व्यू आते हैं, तो इन्हें बहुत सारी कंपनी पैसे ऑफर करती है कि भाई, कि मेरा वीडियो प्रमोट, मेरा वेबसाइट प्रमोट करो, आपको इतने रुपये मिलेंगे। ये इनका क्या है, इनके प्रमोट करने लगते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर अप्लाई करो, यहाँ पर आपको जॉब मिलेंगी। तो भाई, वहाँ पर जाने से आपका तो कोई लॉस नहीं है। कहीं कहीं आपको रुपए मांगे जाते हैं, तो वहाँ पे अगर रुपए दे दिए तभी आपका लॉस है, ऐसे कोई लॉस नहीं है। लेकिन वहाँ पे आपका डेटा इकट्ठा करके, जो भी डेटा आप एंट्री कर रहे हो, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो वो डेटा इकट्ठा करके दूसरी कंपनियों को बेचा जाता है, तो इससे उनका फ़ायदा होता है। भाई, अगर एक डेटा हम 1 रुपये में बेचते हैं, अगर किस मैंने मानो कि मेरी ऐसी एक कंपनी है जहाँ पे मैं कैप्चा एंट्री, डेटा एंट्री की जॉब ऑफर कर रहा हूँ, और मैं एक बड़े यूट्यूबर से उस वेबसाइट की प्रमोट करवा रहा हूँ, वेबसाइट को प्रमोट करवा रहा हूँ मैं, तो अगर उस पर 2 लाख व्यू आ गए, 1 लाख लोग तो ज़रूर उस वेबसाइट पर जाएगा। जॉब तो ऐसी चीज़ ही है, उस वेबसाइट पर गारंटी जाएगा 1 लाख लोग। 1 लाख लोग अगर उस वेबसाइट पर जा रहा है, तो 50,000 लोग तो गारंटी अप्लाई करेगा। तो अगर वो कोई भी आदमी अगर आपका डेटा 1 रुपया में बेच रहा है, तो वो एक वीडियो से 50,000 रुपये कमा रहा है। भाई, सिर्फ इतना सोचो, वहाँ से आपका डेटा, आपको डेटा एंट्री का जॉब नहीं मिलेगा, आपका डेटा उठाकर किसी दूसरे कंपनी को, क्रेडिट कार्ड वाले को, बैंक वाले को, या जो भी है फेक कॉल सेंटर वाले जो आते हैं ना, फ्रॉड वाले कॉल के, भाई फोन पे मैं आपको रुपए भेज रहा हूँ, 40,000 रुपये निकाल लो, अपना पिन डाल के आप अपना अकाउंट का गैप कर देते हो, तो वैसे ही लोगों को ये डेटा बेचा जाता है। तो भाई, अगर आप ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो और ऐसी वीडियो देख कर उनके वेबसाइट पर जा रहे हो, अब वहाँ पे आप जाके आप कैप्चा एंट्री अपना पूरा डिटेल शेयर कर दे रहे हो और आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आपके डिटेल से वो पैसे कमा लेते हैं,
तो ऐसे वेबसाइट पे बिल्कुल ना जाएं, ऐसी कोई जॉब नहीं होती है जहाँ पे आपको कैप्चा एंट्री की जॉब मिले। अगर हाँ, अब बात आते हैं, एक वेबसाइट है जो कुछ थोड़ी मोड़ी जेन्युइन लगती है मुझे कि हाँ कैप्चा टू कैप्चा ऐसी एक वेबसाइट है, लेकिन वहाँ पे एक कैप्चा के पास, एक कैप्चा के कितने रुपये मिलते हैं पता है आपको? 0.0001 डॉलर। तो आपको वहाँ से 0.0001 डॉलर से ना 1 डॉलर जाने के लिए तक आपको 50,000 कैप्चा एंटर करना पड़ेगा, तब आके जाओगे, तब आप जाओगे वहाँ पे। तो ऐसे 1 डॉलर के लिए आप अगर 50,000, 50,000 का 10,000 कैप्चा आपसे एक दिन में एंटर नहीं होगा, तो 50,000 तो दूर की बात है। तो आप क्या लगता है कि आप इससे 500 रुपये का, 5,000 का, 500 रुपये डेली कमा सकते हो? नहीं कमा सकते। तो वैसे भाई सीधे शब्दी में एक ही बात है कि ऐसी कोई जॉब नहीं होती है, ऐसे वीडियो में ना पड़े, ऐसे धोखे में ना आए, जॉब ढूंढे, अपना पैसे कमाए। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।